मेहरौली इलाके में एचएमटी द्वारा चलाए जा रहे एक हफ्ते के मेले में बच्चे और लोगों का अब तांता लगना शुरू हो गया है। एचएमटी के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। जी हाँ, हमारी महिला टोली ने ये तीसरी बार जो है मेहरौली के अंदर मेला लगाया है, जिसमें बच्चों के लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के खेलने और खाने पीने के साथ साथ झूले झूलने की भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था करी गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर इस मेले के अंदर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ मेला आयोजक ज्योति खंडवाल की तरफ से यहाँ पर वॉलंटियरों को भी तैनात किया गया है। हमारी महिला टोली लगातार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने मेहरौली के अंदर एक मेले का आयोजन किया, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले में जो फीस है वो निःशुल्क है और इस वजह से यहाँ पर लोग जो हैं भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। ये मेला 1 जनवरी तक चलेगा और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस मेले में पहुँचने वाले लोगों के लिए यहाँ पर मेले के आयोजक ज्योति खंडवाल के द्वारा यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति करी जा रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए तो है ही सारी चीज़ें, बाकी जो उनके अभिभावक आएंगे उनके लिए यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन है। अलग अलग बच्चे जो हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इसी वजह से इस मेले में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देखिए कि बच्चे जो परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं उसका हमारी महिला टोली की तरफ से किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के यहाँ पर जो इस तरीके का जो जिम्मा एचएमटी ने उठाया है कि हमारी महिला टोली बच्चों को लगातार यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में फील्ड में बढ़ने का मौका देगी, और इसी क्रम में हमारी महिला टोली की तरफ से यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिजिकल चैलेंज बच्चे हों चाहे नॉर्मल बच्चे हों, सभी अलग अलग तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इस मेले में कई समाज सेवी लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनको कि यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा भी यहाँ पर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बच्चे जो यहाँ पर हैं अपनी अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई डांस पर चाहे कोई गाना गाकर यहाँ पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस। हमारी महिला टोली जो कि मेहरौली में जिस मेले का आयोजन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने अपने टैलेंट को यहाँ पर पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं इस कड़ाके की सर्दी में जो समाज के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है इस मेले को कोई भी मिस करना नहीं चाहता, क्योंकि इस मेले के अंदर अलग अलग तरीके के स्टॉल हैं वो भी लगाए गए हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ें मिल रही हैं। साथ ही साथ खाने पीने की जो चीज़ें हैं बच्चों की वो भी यहाँ पर मिल रही हैं, जिसका भी यहाँ पर जो लोग हैं वो लुफ्त उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और साथ ही साथ डांस कर रहे हैं। वहीं पर इस मंच पर गायक के लिए भी आयोजन किया गया है, जो फील्ड में जिस तरीके के जो जिस बच्चों के अंदर जैसा टैलेंट उनको वैसा मौका दिया जा रहा है। से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दाड़ू सपनों से आगे, अब चाह लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, तालियों से इसका स्वागत करेंगे, तालियों से इसका मनोबल बढ़ाएं। नहीं चैन करूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, लख बार करूं तेरी जान करूं, मेरे होठ पे मन मेरा बोले अब जा लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा